एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ कराची किंग्स एंथम 2022। कराची एंथम है, आई थिंक जो लोग कराची से बिलोंग करते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं इस वीडियो को देखकर। और हाँ, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि कराची से कौन कौन है जो मेरे रिएक्शन चैनल को देखता है। मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स कराची से कितने लोग हैं, ठीक है। और ये PSL एंथम होने वाला है जिसके अंदर हमें आसिम अजहर और तलहा यूनुस सुनने को मिलेंगे और देखने को मिलेंगे। तलहा यूनुस के मैं एक टाइम पर बहुत सारे रिएक्शन वीडियोस कर देती हूँ उनके रैप सॉन्ग्स पर। तलहा अंजुम भी हैं, तलहा यूनुस दोनों भाई भाई हैं, आई थिंक, आई डोंट नो भाई हैं ब्रदर्स या फिर फ्रेंड्स हैं, बट इसके अंदर सिर्फ तलहा यूनुस है, तलहा अंजुम नहीं है। सो दोनों का कोलैबोरेशन वीडियो है। आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को देखना। बट बिफोर आई स्टार्ट, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डू ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम अगर आप लोगों ने वहाँ मुझे अब तक फॉलो नहीं किया। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। तूफानों से निकली है आंधी है, सुन मेरी जानिए कराची है। तूफानों से निकली है आंधी है, कदम जमा के खेल जा, बल्ला इस तरह घुमा, बल्ला घूम जाएगा तो जाएगा ये लग पता। कराची शहर के खिलाड़ी हम, मेरी जानिए कराची है। सच बोलो तो लहरें ही काफी हैं, ये जज्बे अलग हाँ जज्बाती से, खड़े मैदान में शहर ये छाती पे, इस खेल का शेर कौन, बॉन रेडी जानी गेम ऑन, दिलों पे राज कर रहे कौन, क्लीन बोल्ड अपनी टीम स्ट्रॉन्ग, ये हौसले बढ़ते क्या खाबों से बढ़ के, एक ही इतना तभी सारे डरते हैं, रंग जात के लोग यहाँ साथ चलते, पत्थर दिल वाले भी हम पे पिघलते, खेलोगे दिल से तो जानोगे, गिल्ले उड़ा देते सारोगे, बाबर आजम कैप्टन ने क्या बोल डालोगे, दौड़ोगे सारे पर कितना ही भागोगे, जान की बाजी लगा देंगे, हवाओं की बातें समझा देंगे, बाजी उल्फत भी जीतने के आदि, ये है कराची, हम है कराची, हम है कराची, मैं हूँ कराची, कराची किंग्स एंथम। ये है कराची, ये है कराची सॉन्ग में शायद कई बार आया होगा। किसने नोटिस किया कि कितनी बार आया होगा? वैसे मैंने नोटिस तो किया कि कई बार आया होगा, बट कितनी बार आया मैंने ये नहीं काउंट किया क्योंकि मेरा फोकस उसको पूरा सुनने में था। पूरा जोश से भरा हुआ था, काफ़ी एनर्जेटिक था परफॉर्मेंस, दोनों का बहुत एनर्जेटिक था। एंड जो मैंने इससे पहले जो लास्ट ईयर का जो था ना एंथम, वो मैंने नहीं देखा, तो आई कांट कंपेयर कि पिछले साल वाला कैसा था, आपका कैसा है। तो मैं तो अभी फ़िलहाल जो मैंने देखा है मैं उसी के बारे में बात करूँगी। तो मुझे अच्छा लगा काफ़ी, और मुझे पता नहीं क्यों लगा कि जो तलहा यूनुस हैं वो बने ही रैप के लिए हैं। मतलब रैप जब स्टार्ट हुआ ना इस एंथम सॉन्ग में, तो ये सॉन्ग ना यहाँ से ऐसे ऊपर की ओर ऐसे बढ़ा ना, तो वो बहुत सही लग रहा था। जो जो वर्ड्स इन्होंने बोले थे, बाबर आजम कैप्टन है उनको कौन रोकेगा, जो रैप जो करा है वो पूरा पूरा सीन रैप का, सॉन्ग को ना चार चांद लगा दिए उनके रैप ने। तो जो एडिटिंग थी सॉन्ग की, वो उसको हम अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे क्योंकि सिंगर्स तो नो डाउट
अच्छे ही हैं दोनों। वीडियो की जो एडिटिंग थी यार बहुत काबिले तारीफ थी, मतलब वो बिल्कुल ऐसी एडिटिंग थी जो आई कैचिंग लग रही थी, आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, देखने पर आप मजबूर हो जाओगे। जो एडिटिंग थी, जो इफेक्ट्स एंड ऑल ट्रांजिशंस जो भी थी इसके अंदर, वो बहुत अच्छी लग रही थी। ओवरऑल एक देसी टाइप का एंथम है जिसके अंदर रैप ने जो है ना बिल्कुल तड़का लगाने वाला काम किया है, सो बहुत अच्छा लगा मुझे एंथम। ट्रैक सुनकर इतना तो प्रॉपर फील आ रहा था कि हाँ भाई ये कराची वालों का ही एंथम है, लाइक जीतने के आदि है ये है कराची। आसिम अजहर का कॉम्बिनेशन जो मतलब नॉर्मल सिंगिंग करते हैं जो अच्छा लगता है उनका, मुझे सिंगिंग का जो स्टाइल है, और उन्हीं के साथ जो तलहा यूनुस मिल जाते हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बेस्ट डेडली कॉम्बिनेशन था, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक था। ये था मेरा रिएक्शन, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो, अच्छा लगा है, पसंद आया तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आई विल मीट यू माई नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।